नमस्कार। और आज हम सब पढ़ेंगे समस्त स्थैतिकी, तुलनात्मक स्थैतिकी और प्रावैगिक समष्टि। हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तन होने के कारण से संतुलन या साम्य परिवर्तित होता रहता है। इस कारण से हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि संतुलन किस प्रकार से स्थापित होता है, संतुलन की कौन कौन सी स्थितियां होती हैं। तो सबसे पहले समष्टि स्थैतिक, माइक्रो स्टैटिक्स, इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन साम या संतुलन की स्थिति में किया जाता है। समष्टि स्थैतिकी में क्या किया जाता है कि साम व संतुलन की स्थिति का अध्ययन किया जाता है या स्थिर साम्यावस्था का अध्ययन करता है। स्थिर साम्यावस्था वह अवस्था होती है जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं किंतु साम्य की स्थिति बनी रहती है। अर्थव्यवस्था में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप एक नया साम्य स्थापित होता है। विभिन्न समयों में विभिन्न साम्यावस्थाओं का अध्ययन ही समष्टि साम्यावस्था में किया जाता है। समष्टि स्थैतिक में किसका अध्ययन किया जाता है तो विभिन्न समय में विभिन्न साम्यावस्था, अर्थव्यवस्था में भिन्न भिन्न समय में जो भिन्न भिन्न साम्य या संतुलन की स्थिति बनती है उसका अध्ययन हम समष्टि स्थैतिक में करते हैं। यह समष्टि विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समय बिंदु पर, एक निर्धारित समय पर, पूरी अर्थव्यवस्था की अंतिम साम्य स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। अर्थात अर्थव्यवस्था में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं किंतु एक निश्चित समय बिंदु पर साम्यावस्था का अध्ययन हम समस्त स्थैतिक में करते हैं। दूसरा, तुलनात्मक समस्त स्थैतिकी, कंपैरेटिव मैक्रो स्टैटिक्स। तुलनात्मक समस्त स्थैतिकी के अंतर्गत भिन्न संतुलन स्थितियों वास्तविक तथा प्रत्याशित का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक समस्त स्थैतिकी में वास्तविक और प्रत्याशित, इन दोनों साम्यावस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन प्रणाली में हम संतुलन की दो अलग अलग स्थितियों की एक दूसरे से तुलना करते हैं, दो अलग अलग स्थितियों की एक दूसरे की तुलना करते हैं। इसमें परिवर्तन के उस पथ का अध्ययन नहीं किया जाता है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था एक संतुलित स्थिति से हटकर दूसरी संतुलन स्थिति को प्राप्त करती है। अर्थात इसमें उन कारणों का अध्ययन नहीं किया जाता है जिन कारणों से साम्यावस्था में असंतुलन आया है या साम्य की स्थिति परिवर्तित हुई है। इसमें केवल वास्तविक व प्रत्याशित परिवर्तनों का ही अध्ययन किया जाता है। समस्त स्थितिकी, तुलनात्मक स्थितिकी, इसके बाद देखते हैं समस्त प्रावैगिकी, माइक्रो डायनामिक्स। यह आर्थिक विश्लेषण की यथार्थवादी विधि। क्यों यथार्थवादी विधि है? क्योंकि अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में नित नए परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के कारण जो साम्य होते हैं, संतुलन जो होते हैं, उनकी स्थितियां बदलती रहती हैं। इस कारण से नित परिवर्तित परिस्थितियों का अध्ययन करने की प्रणाली जो है वही यथार्थवादी प्रणाली है। तो
समस्त प्रायिकी जो है ये आर्थिक विश्लेषण की यथार्थवादी विधि है। विकास की प्रक्रिया का संपूर्ण रूप से अध्ययन समस्त प्रायिकी अध्ययन का क्षेत्र है। यह अर्थव्यवस्था में निरंतर होने वाले परिवर्तनों, उनकी प्रक्रिया उनके निर्धारक तत्वों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि साम्यावस्था या संतुलन किस प्रकार से स्थापित हुआ या किन परिस्थितियों व कारणों के द्वारा प्राप्त हुआ है। जो साम्यावस्था, जो संतुलन की स्थिति है, वो किन कारणों से प्राप्त हुई है या कौन से कारण हैं जिन्होंने वर्तमान संतुलन या साम्य को परिवर्तित किया है। इसके अंतर्गत उस पथ का अध्ययन किया जाता है जिससे साम्यावस्था एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंचती है। समष्टि प्रावैगिकी में उस पथ का अध्ययन किया जाता है जिससे साम्यावस्था एक स्थिति से हट करके दूसरी स्थिति में पहुंचता है। इस विश्लेषण में साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले तत्व जैसे रुचियां, तकनीक, उत्पादन की जो तकनीक है, उपभोक्ता की जो रुचियां हैं, फैशन, आदतें, ये जो परिवर्तित होती हैं, तकनीक, उत्पादन की तकनीक, उत्पादन विक्रय की तकनीक, इन सभी का साधन, संगठन और जनसंख्या आदि में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ये सभी जो तत्व हैं, ये प्रावैगिक तत्व हैं, ये वो तत्व हैं जिनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार से समष्टि प्रावैगिकी ये आर्थिक विश्लेषण की यथार्थवादी विधि है। इसमें ये जो परिवर्तन है, इन परिवर्तनकारी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि प्रावैगिक समस्त चरों की निरंतर गतियों व परिवर्तन की दरों की विवेचना करता है। तो समस्त प्रावैगिकी में उन सभी चरों का अध्ययन किया जाता है जो निरंतर परिवर्तनशील है। इस प्रकार से इन परिवर्तनों के कारण जो साम्य या जो संतुलन की अवस्था प्राप्त होती है उसका विश्लेषण समस्त प्रावैगिकी में किया जाता है। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में तीन आर्थिक विश्लेषण हुए, समस्त स्थैतिकी और तुलनात्मक समस्त स्थैतिकी और प्रावैगिक समस्त। धन्यवाद।